What happened? हेलो व्हाट्स अप गाइस, मैं हूँ वर्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। एंड हम लोग ने गाड़ी पार्क कर दी है और हम लोग जा रहे हैं न्यूयॉर्क। आज के हमारे गाइड हैं संतोष। हाँ, आज के हमारे गाइड हैं संतोष भैया, तो वो हमें पूरा गाइड करेंगे न्यूयॉर्क स्पेशलिस्ट। हाँ, और आज स्पेशली हम लोग मतलब कार के थ्रू हम लेके नहीं जा रहे उसको वहाँ पे, मतलब न्यूयॉर्क के अंदर हमने यहाँ पे जर्सी में ही पार्क कर दिया गाड़ी। यहाँ से हम जा रहे हैं ट्रेन में। फर्स्ट टाइम मेरा ट्रेन राइड है, तो वो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं ट्रेन राइड। यहाँ पे ये रही हमने पार्किंग करी है और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से जाएंगे तो ये इधर ही है ट्रेन का। यहाँ से हमें ट्रेन मिल जाएगी न्यूयॉर्क के लिए। सो ये है जनरल स्क्वायर, यहाँ से हमें ट्रेन मिल जाएगी न्यूयॉर्क के लिए डायरेक्ट। सो ये हम लोग आ गए अब ये अंदर, एंड यहाँ से अब हम लोग पहले जाके टिकट लेंगे। जैसे मेट्रो का जो कार्ड बनता है वैसा ही कार्ड बनेगा यहाँ पे, सो वो हम लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपनी ट्रेन राइड ये रहे हम स्टेशन। संतोष भैया गए टिकट लेने। और चमल क्या कर रहा है? मेरा शोमी क्या कर रहा है? इंडिया से फीलिंग आ रही है, दिल्ली में जैसे मेट्रो है ना, मेट्रो के नीचे वो जो पूरा ठंडा ठंडा रहता है वैसे ही पूरा यहाँ पे वैसी फीलिंग आ रही है अभी। पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया ये वाला यहाँ पे। न्यूयॉर्क में 3 साल हो गए। चलो 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 चलो। हम लोग आ गए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्रेन से, मेट्रो से। कब से मैं सोच रही थी कि तब से प्लान कर रहे थे ना कि मेट्रो से आएंगे। अंजना वो भोपाल जी के साथ भी हम लोग प्लान करते, हमारे घर के पास ही था एक स्टेशन, बट वो ये फिर वहां से हो नहीं पाया। हमें पता नहीं था, इतना नॉलेज नहीं था। संतोष भैया को है अभी नॉलेज, तो वो पहले यहाँ रह चुके हैं ना, तो उन्हीं के साथ हमने प्रेफर किया कि उन्हीं के साथ आए। सो भाई नाइस, पूरी दिल्ली जैसी फीलिंग आ रही है मुझे यहाँ पे। So this building is known as Oculus and it's connect downtown of New York. So वही आज का हमारा वही प्लान है कि that we gonna cover the downtown of New York. So जब 9/11 हुआ था तो सब चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई थी, और ये ट्विन टावर के साथ साथ ये वाली जो ट्रेन स्टेशन है ये भी डिस्ट्रॉय हो गया था। सो नाउ दिस इज़ द न्यू स्ट्रक्चर, एंड दिस बिल्डिंग इज़ नोन एज ऑक्यूलस बिल्डिंग एंड इट इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स वाइट थीम। बेसिकली इट्स अ मॉल शॉपिंग सेंटर एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल एज यू कैन सी इट। हेलो सर, चमल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर घूमने आया है। सोनू तो जो नीचे गुलिया मेरी और जो को गुली की को जो की संतोष भैया वो खड़े हैं। ओ वाव, मर देखो कितने मजे कर रहा है। समय कौन है? पिजिन। हाँ पिजिन, हाँ कर लो, हाय कर लो उनको। ये आ गए हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग के पास। Thank you.
समर और वो डैडी देखो उधर, वो समर को वहां पे ना पिजन के साथ खेलने में इतना मजा आ रहा है। कब से प्लान कर रहे थे यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे आने के लिए और अब जाके आए हम लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। सो 9/11 के अटैक में जो दो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हुई थी ट्विन टावर्स वाली, तो यहाँ पे उसकी जगह पे यहाँ पे पांच बिल्डिंग उन्होंने अब बना दी हैं। सो न्यू अभी जो बिल्डिंग बनी है वो 5 बिल्डिंग्स बन गई हैं अभी उसकी जगह पे। ये जो एरिया है दैट एरिया कॉल्ड एज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड ये जो बिल्डिंग है दैट कॉल्ड एज 1 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड ये जो आर्ट आप देख रहे हो ये है ग्रेफिटी। स्पेक्स बनाए हुए हैं मस्त दिख रहा है। आ गए हम लोग ब्रुकलिन ब्रिज पे। दोनों साइड से देखिए ट्रैफिक है, बीच में अपन पैदल चल रहे हैं। हाँ हेलो जी, फाइनली आ गए हम लोग ब्रुकलिन ब्रिज पे। लगा दिए लगा दिए, काट के ले जाएंगे। ऐसी ये देखना $100 का फाइन है। समर को तो ये पिजन के साथ इतने मजे आ रहे हैं, वो खेलने लग रहा है। और अभी हमने फलाफल का सैंडविच हमने खा लिया, इतना टेस्टी था। और ये यहाँ पे खाया हमने, ये सैम्स क्लब है ना, ये सैम्स क्लब मीन सैम्स क्या है, सैम्स फलाफल, सैम्स क्लब याद आ रहा है मुझे, सैम्स फलाफल, यहाँ से हमने फलाफल लिया था। ये 9/11 की बिल्डिंग के पास ही है, हम लोग 9/11 का मेमोरियल है ना वहाँ पे पास ही है, तो वहाँ पे यहाँ पे जो बिल्डिंग गिरी थी ना वो प्लेन से जो गिराई गई थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो ये यहाँ ये गिरी थी 11 सितंबर को, ये 2001 में जो बिल्डिंग गिरी थी ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये ना सारे नेम्स वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं छोटे से ना। हाँ ये देखो। So we are in the place which not only provide tribute but hope for the future. Welcome to Ground Zero. So the waterfall you can see it from inside are the largest man-made waterfall in North America. And the name of the people which are written here is the people who dies on that in that attack. ये रही एक 9/11 की एक बिल्डिंग का म्यूजियम ये है और एक ये एक और है, दो हैं यहाँ पे ना। और कल सो न्यूयॉर्क सिटी इज रिकवर फ्रॉम अ लॉस एंड नाउ लिविंग अ न्यू नॉर्मल लाइफ। एंड कितना ब्यूटीफुल उन्होंने सारे स्ट्रक्चर वगैरह आप सब खड़े कर दिए हैं सारे, मतलब 5
बिल्डिंग्स उन्होंने अब ये खड़ी कर दी हैं। पहले ये ट्विन टावर्स जो गिराए थे उसकी जगह पे 5 न्यू बिल्डिंग्स हैं अब वहाँ पे। ये देखो, ये जो आप ट्री देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो वर्ल्ड वो जो हुआ था ना, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जब बिल्डिंग गिरी थी तो वहाँ पे एक ब्रांच बच गई थी, तो वो ब्रांच यहाँ पे इन्होंने एज अ मेमोरियल मतलब इसका भी बना दिया है, तो वो उन्होंने एज इट इज यहाँ पे उसको बना के रखा हुआ है अच्छे से। देखो, जब 9/11 हुआ था तब इसकी एक ब्रांच बच गई थी एंड उसको नर्सरी में लेके गए थे और उसको रीबर्थ किया गया था। सो दिस इज द ओनली ट्री विच हैज सर्वाइव 9/11। जब बिल्डिंग गिरी थी तो तब ये वाली ये पेड़ बच गया था, तो वही ट्री है ये, सर्वाइवर ट्री, तो उसको उसको एज अ मेमोरियल करके रखा हुआ है बड़े अच्छे तरीके से। कितनी पुरानी बिल्डिंग है ये देखो, ऐसी थोड़ी 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 हवा चलती रहे तो अच्छा लग रहा है। Anybody can see the bull? कितनी भीड़ है भाई, खतरनाक ही भीड़ लगाई रखी है। येरा बोल, येरा। कितनी भीड़ है भाई, moi je préfère aller le voir devant le bordel. Staten Island Ferry. So, अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेटन आइलैंड, वहां पे जाके संतोष भैया हमें मस्त गाइड कर रहे हैं हर चीज में, वो उन्होंने पूरा हमें कवर कराया। अभी हम लोग आ रहे हैं 9/11 बिल्डिंग देख के, वहां का मेमोरियल अच्छा बना हुआ था, मतलब वो जो बिल्डिंग अटैक में जो गिरी थी, दो बिल्डिंग गिरी थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, तो वो उन्होंने दो मतलब बार बार बता रही हूँ मैं वो चीज की, मतलब दो गिरी थी, दो की जगह 5 बना दी। मुझे लगा था एक ही है, मतलब मुझे पता नहीं था मतलब इधर डिटेल में, संतोष भी ने यहाँ पे आके मतलब पूरा क्लियर कर दिया। और वो जो ट्री भी था, जो सर्वाइवर ट्री था वहाँ था, वो भी एक अच्छा दिख रहा था वहाँ पे ना, उसको पूरा अच्छे से मेमोरी बना दिया था। हाँ, छोटी ब्रांच बच गई थी एरिया में, बस वो एक ब्रांच सर्वाइव करी थी, उसको उन्होंने रीप्लांट किया। हाँ, तो वो एक बड़ा ट्री सा बन गया, मतलब तो उन्होंने पूरा उसको कैप्चर कर दिया, मतलब कि एज अ मेमोरी उन्होंने रख दिया है। अब हम यहाँ से लेंगे फेरी, फेरी से जाएंगे स्टेटन आइलैंड, स्टेटन आइलैंड से आएंगे वापस, फिर कहाँ जाएंगे? जाते समय डाउनटाउन दिखाएंगे, आते समय डाउनटाउन दिखाएंगे। अच्छा, अभी डाउनटाउन देखेंगे। अभी तो न्यूयॉर्क का हमने सिर्फ इतना सा पार्ट कवर किया, अभी तो और भी पार्ट्स हैं, मतलब मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में पार्ट्स कैप्चर किया और मुझे इतना लगता है कि मतलब मैंने ये भी ये नहीं किया क्योंकि मैंने छोटे छोटे पार्ट्स किए हैं। अभी पता चल रहा है कि मैंने ये वाला पार्ट अब कम्प्लीट किया है यहाँ का, नीचे कौन सा वाला पार्ट है, डाउन टाउन ही है। हमने तो डाउन टाउन मतलब ऑलमोस्ट कवर कर ही दिया, फिर उसके बाद हम कहाँ जाएंगे नेक्स्ट, जो हमारा ट्रिप लगेगा न्यूयॉर्क का मिड टाउन है, फिर अप टाउन भी है। ये 3 टाउन्स है ऐसे करके, तो हमने कर लिया अभी डाउनटाउन कवर, अभी नहीं अभी करते हैं, अभी साथ में बने रहो, देखते रहो हमारी वीडियो, उसके बाद फिर आपको और भी अच्छी चीज, अभी आगे कंटिन्यू करो, बीच में मत रोक देना वीडियो देखते टाइम, उसको पूरा कंटिन्यू करो, तो और भी आगे चीजें अभी इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिलती जाएंगी। शेयर और सब्सक्राइब भी करना है, साथ में सारी चीजें कवर करना। या राइट, साथ में डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, मैं पहले से ही मतलब बोल दे रही हूँ, so please do like share and comment and subscribe my channel please, मोटिवेशन के लिए मतलब मेरे थोड़े मोटिवेशन के लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और भी आपको मजबूत वीडियो आती रहेंगी। फिर और फिर स्पेशल ऑफर होगा कि मैं जो भी न्यूयॉर्क आ रहे हैं उनको न्यूयॉर्क डाउनटाउन का टूर फ्री में दूं मैं, फिर लेट्स सी अगर मैं रही तो यहाँ पे नहीं, और जो भी आएंगे जो सब्सक्राइबर रहेंगे इस चैनल के, जो भी सब्सक्राइबर रहेंगे उनको मैं डाउनटाउन का फ्री में ट्रिप। हाँ ओके, संतोष भैया सब बोल रहे हैं, तो हाँ तो ठीक है, संतोष भैया देंगे। हाँ ओके, द डे वी रीच 1000, हाँ द डे वी रीच 10,000 या ये देखो कितनी लंबी
भीड़ लग रही है वहाँ पे फेरी के लिए। ये रहा गेट इधर, यहाँ से गेट वो फेरी लग चुकी है उधर, सो वी आर गोइंग देयर। समर सो चुका है, उसको नींद आ रही थी। जर्सी सिटी वो रहा वहाँ पे वो राइट न्यूयॉर्क क्या नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाला जो आइलैंड वो वैसे ये भी आइलैंड है पूरा। हाँ हाँ ये गॉड है। ये देखो यहाँ पे आउटलेट भी बने हुए हैं, ओल्ड नेवी का आउटलेट है यहाँ पे। हाँ सो ये आ गए हम लोग स्टेटन आइलैंड, और ये यहाँ पे इस आइलैंड पे ना ये आउटलेट मॉल बना हुआ है पूरा। ये यहाँ पे सारे आउटलेट्स हैं यहाँ पे। अभी हमें स्टार्टिंग में तो वो दिख गया ओल्ड नेवी का, और बहुत सारे आउटलेट बने हुए यहाँ पे। ये देखो अभी ना हेलोइन आने वाला है, तो उसका कॉटन ऑन देखे हैं एक बार। कॉटन ऑन हेलोइन का पूरा डेकोरेशन, फॉल हेलोइन सब आ रहा है अब तो, है ना। हेलो जी, आ गए हम अपनी फेरी राइड करके। ज्यादा कुछ नहीं था, बस ऐसे ही फेरी में गए थे और ये फ्री थी, मतलब ऐसे इसमें कुछ हमें पे नहीं करना था कि हमें अब कुछ डॉलर पे करके जाना है, ऐसा नहीं था, ये फ्री था। तो वही हम लोग ऐसे फन के लिए गए थे। और यहाँ का जो व्यू देखोगे, और हाँ यहाँ का व्यू, व्यू एंड वेदर, वाह। ये आ गया मॉर्गन स्टैनले की बिल्डिंग, कितनी बड़ी है। तो ये है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग। यहाँ पे मतलब वो हमने जो बुल दिखाया था वो उसका बैक साइड से था, और ये है यहाँ पे इसकी बिल्डिंग। इतनी बड़ी है भाई, देखो। ये लाइट्स अभी ऑन हो गई इधर की पूरी। ये देखो ये मशीन है, और ये क्लीनिंग मशीन है। ये जो आपने ये जो पिलर्स देखे थे ना, ये वाले पिलर अंदर, तो ये इसके थ्रू क्लीन होते हैं, ये मशीन के थ्रू। क्लीनिंग वाली मशीन है ये। भाई थक गए अभी तो, पैरों में हो रहा है दर्द। रास्ते में मसाज दे दो। पूरा हमने डाउनटाउन तो कवर कर लिया है। हाँ, हमने डाउनटाउन कवर कर लिया संतोष भैया की वजह से। संतोष भैया ने हमें पूरा अच्छे से डाउनटाउन कवर करा दिया। संतोष भैया थैंक यू। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, न्यूयॉर्क के डाउनटाउन वाली वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। सो तब तक प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय 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 संतोष भैया, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। समर बाय कर दो, चलो जल्दी बाय। हाँ बाय, हाँ बाय, हाँ बाय 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 बाय।
So these are the lights they project through 9/11 memorial every year on 11 September. And this is what we missed because we have started little earlier from New York. So jo aap abhi dekh rahe ho, it's a New York live video. ये जो आप देख रहे हो दिस इज़ वॉट आई ट्राई टू कैप्चर फ्रॉम माई कार वाइल कमिंग बैक बट आई मिस द एक्चुअल लाइट इसीलिए मैंने ये लाइव वीडियो शो किया है. दिस इज़ ऑल अबाउट माई न्यूयॉर्क ट्रिप दिस टाइम. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू समथिंग इंटरेस्टिंग एंड समथिंग फैसिनेटिंग. टिल देन बाय बाय.